अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ चिकन पकोड़ा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो, हमने बोनलेस चिकन लिया है, इसे काट के धो लिया है। 1/2 कप बटर मिल्क लेंगे, छाछ लेंगे 1/2 कप, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और नमक, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। पहले हम छाछ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और विनेगर डाल लेंगे। कॉर्नफ्लावर भी डाल लेंगे इसमें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और चिकन के पीसेस डाल लेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में। अब हम ड्राई फ्लावर बना लेंगे। 1 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 30 मिनट के बाद चिकन को अब छाछ में से निकाल के ये मिक्सचर में डाल लेंगे ड्राई फ्लावर में। अच्छी तरह से चिकन को कोट कर लेंगे इससे। साइड में रख लेंगे सब पीसेस को। इसी तरह से हमें कोट कर लेना है चिकन को। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। हर 2 मिनट के बाद अब इसे टर्न करते रहेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। चाइनीज़ चिकन पकौड़ा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।